नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है बेटा मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई, अपनी क्लास के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा एक बार, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी से। ठीक है बेटा, कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम से क्लियर करा दिया था, इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। और आज हमने कल ही हमने आपको बता दिया था कि आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.1 का सॉल्यूशन कराएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी की नीम है, यानी पूरी एक्सरसाइज में आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने हैं। भाई क्या करना है जी, सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने हैं, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए भाई, सैंपल स्पेस। ठीक है साहब, सैंपल स्पेस आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए निकालना। ठीक है साहब, इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे सब, कंप्लीट सॉल्यूशन में। ओके चलिए भाई, स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। आप लोग अपने पास में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे भाई, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, जिससे कि जो जो चीजें आपको कराई जाए वो एकदम से क्लियर होती है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। अभी स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से हो रही है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने वाली। फिर कल जब एक्सरसाइज 16.2 का सॉल्यूशन कराएंगे तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सबका क्राइटेरिया आ जाएगा। सैंपल स्पेस आपने निकाल लिया, मैं फिर कह रहा हूं सैंपल स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपने यदि सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लिया, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपकी किल हो गई, प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी की पूरी किल हो गई भैया। सारा का सारा काम टोटल सैंपल स्पेस पर है, 11th क्लास में सारा दारोमदार सैंपल स्पेस है। समझ लीजिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, यदि किसी कॉइन को 3 times टॉस किया जाए, तो आप इसको ना ऐसे करके समझ लो भाई, किसी एक कॉइन को 3 times टॉस किया जाए। ठीक है जी, कॉइन को 3 times टॉस किया, तो 3 times टॉस करने पर हमारे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे भाई, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? देखिए, एक कंडीशन तो ये है कि साहब दोनों बार हेड 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 आ सकते हैं, तीनों बार हेड 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 आ सकते हैं। आप ऐसे करके मान करके चलो कि भाई, जैसे देखो यहां समझ लो, एक बार जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ऐसी दूसरी बार जब आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो ऐसा सिचुएशन। ऐसे ही तीसरी बार में जब आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कॉइन को एक बार टॉस करने पर या तो हेड आता है टेल आता है, यही तो सिचुएशन होती है। यहां पर कॉइन को कितने बार टॉस किया जा रहा है, 3 बार। तो अब देखो सिचुएशन क्या क्या बन रही है आपकी, समझ लीजिए। हम यही से चीजों को निकालेंगे भाई। पहली कंडीशन कि भाई तीनों बार हेड 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 आ गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि भाई मान लो भाई पहली 2 बार में हेड आया, पहले 2 बार में हेड आया और तीसरी बार में आ गया जी टेल। क्या आ गया था, टेल आ गया। पहले 2 बार में हेड आया, और तीसरी बार में टेल आ गया, यानी ये कंडीशन बन गई। अब क्या ले लिया था हमने भाई, पहले हेड ले लिया, फिर टेल ले लिया, फिर हेड ले लिया, यानी हेड टेल और हेड। ठीक है साहब, ये तो बात हो गई जब 2 बार हेड आया, और तो कोई सिचुएशन फंस नहीं सकती। तीसरी सिचुएशन क्या फंसेगी साहब, कि पहली बार हेड आया और बाद में फिर ये दोनों टेल टेल आ गए, बाद में फिर ये दोनों टेल टेल आई तीसरे वाले में, तो हेड टेल टेल, ये आपने 4 निकाल लिए। अब अगले 4 के लिए क्या करना है आपको, जहां जहां इन चारों में हेड आया है वहां पर टेल लगा दो, जहां पर टेल आया है वहां पर हेड लगा दो। तो देखो जी, टेल टेल और टेल,
टेल, फिर ऐसे यहाँ पर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ऐसे करके टोटल आउटकम्स। आर डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, आर डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, डाई को जब दो बार थ्रो किया जा रहा है तो देखो समझ लो भाई, पहले थ्रो में वन आए, दूसरे में भी वन आए। अब पहले में वन आए, दूसरे में टू आए, ऐसे ही करके ये वाली कहानी कहां तक चलेगी साहब, कि भाई पहले में वन आए, दूसरे में थ्री, पहले में वन फोर, फिर वन फाइव और फिर वन ये सिक्स। तो ये स्टोरी कहां तक चली साहब, यहां तक चलेगी वन और सिक्स। ऐसे ही अब टू के लिए ले लो साहब, किसके लिए ले ले, टू के लिए, कि भाई टू वन और फिर टू वन से लेकर के कहां तक चलेगा साहब, टू सिक्स तक चलेगा। कहां तक चलेगा जी, टू सिक्स तक चलेगा। ऐसे ही फिर थ्री के साथ में, और कहां से स्टार्टिंग करनी है आपको, कहां तक चलेगा जी, सिक्स वन तक। सिक्स वन से लेकर के कहां तक चलेगा साहब, इधर में भी सिक्स सिक्स तक। तो टोटल आपके जो आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे साहब, टोटल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स या टू डाई थ्रोन वंस, ठीक है जी। चलिए साहब, अब देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन क्या मतलब, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, जब किसी एक कॉइन को चार बार टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम्स हमारे टू की पावर फोर, टू की पावर फोर बनेंगे तो कितना आ जाएंगे साहब, 16। और वो 16 आउटकम्स क्या होंगे, वो ये होंगे। अब समझ लीजिए साहब, यहां पर एक कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, एक कॉइन को और एक डाई को थ्रो किया जाए। तो जब आप देखो कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आते हैं साहब, हेड या टेल, समझ लीजिएगा भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। भैया ये सब पूरा जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस सब का आपको पीडीएफ फॉर्मेट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से आपको लिंक दे दिया जाएगा। जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है साहब, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, लेकिन हमसे सैंपल स्पेस काय का पूछ रहा है, हेड को टॉस किया जा रहा है डाइस को भी, तो क्या क्या हो जाएंगे साहब, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, ऐसे ही फिर टी के साथ टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स, और टोटल आउटकम्स कितने बने साहब, दो इनके और छह इनके, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व बने, टू सिक्स जा ट्वेल्व बनेंगे जी टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज थ्रोन ऑन द कॉइन, समझ लो यहां पर क्या कह रहा है, एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस किया गया है, समझ लीजिएगा भाई। हाँ भाई अब समझ लीजिए, मैं इस सब को रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया है इन्होंने, तो ये हमारा कॉइन था और इसको हमने टॉस कर दिया, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो सिचुएशन है। फिर ये कह रहा है एंड देन अ डाई इज रोल्ड, फिर एक डाई को थ्रो किया गया, और डाई को रोल किस सिचुएशन में कह रहा है, इफ इफ कॉइन इन केस अ हेड इज सोन, जब हेड आएगा तब फिर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, तो डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमारे जो आउटकम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे साहब, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, कहां तक आ गए साहब, एच सिक्स तक आ गए, ठीक है जी। ये तो सिचुएशन यहां से हमारी एच सिक्स तक की हो गई, फिर
जब कॉइन को टॉस किया था तो टेल भी तो आ रहा था। और हमेशा ध्यान रखो, ये जो आपके सैंपल स्पेस बनेगा, इसके सारे एलिमेंट्स ऑलवेज करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। किसमें लिखे जाएंगे साहब? करली ब्रैकेट में, ठीक है जी। ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सब करली ब्रैकेट में रखी जाएंगी, कि ये सब करली ब्रैकेट में रखी जाएंगी। ओके भाई, चलिए साहब अब समझ लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से आगे की चीजें कुछ बढ़ती चली जाएंगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए साहब। टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम एक्स। देखिए आपके पास में दो रूम है भाई, एक रूम ये है एक्स, एक रूम ये है बाई। ये रूम एक्स है और ये रूम बाई है। चीजें क्लियर तो हो रही है बेटा? चीजें अपनी क्लियर होती चल रही है। एक रूम अपना एक्स है, दूसरा रूम अपना बाई है। अब समझ लीजिए भाई, क्या कहा जा रहा है आपसे कि रूम वन में दो बॉय है, दो गर्ल है, यानी बी वन और बी टू, दो बॉय, जी वन और जी टू, दो गर्ल हैं। रूम बाई में क्या है साहब? वन बॉय यानी बी थ्री और थ्री गर्ल हैं, यानी जी थ्री, जी फोर और जी फाइव, जी फाइव। ऐसी तो कहानी बन रही है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। देन अ पर्सन यानी पहले एक रूम सेलेक्ट करना है एक्स और वाई में से, फिर उसके बाद एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए साहब, मैंने मान लो भाई पहले रूम एक्स को सिलेक्ट कर लिया, तो एक्स में से पर्सन कौन कौन हो सकता है? एक्स बी वन, एक पर्सन सेलेक्ट कर रहा है, देन अ पर्सन एक्स बी वन, या फिर एक्स बी टू भी हो सकता है, क्योंकि रूम तो मैंने फिलहाल अभी एक्स की बात कर रहा हूं, या फिर जी वन भी हो सकती है, एक्स जी वन है जी, फिर एक्स जी टू। यहां से आगे बेटा ये पूरे पूरे क्वेश्चन आपको खुद ब खुद करने, ध्यान रखिएगा। एक्स जी टू, अब एक्स के साथ तो कंडीशन सारी हो गई। अब मान लीजिए कि सर रूम बाई सेलेक्ट किया जाए, तो बाई में कौन कौन है साहब? बाई में कौन कौन है? बी थ्री है, बी थ्री, बाई के साथ जी थ्री है, बाई के साथ जी फोर है और बाई के साथ जी फाइव है। तो ये अपने टोटल आउटकम्स बन जाएंगे, पूरा सैंपल स्पेस करली ब्रैकेट में रख देंगे आप इसको, ठीक है जी। क्लियर हो गई भैया चीजें? क्लियर हो गई? हाँ भाई, आगे बढ़ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वन डाई ऑफ रेड कलर, वन डाई ऑफ व्हाइट कलर, वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। देखिए ये आपके पास में एक बैग है, ये बैग है, और इस बैग में क्या कह रहा है? एक डाई रेड कलर की है, एक डाई आपकी रेड कलर की है। तो देखिए साहब, ये वाली डाई तो हमारी रेड कलर की हो गई, एक डाई व्हाइट कलर की कह रहा है, तो ये ले लेते हैं अपन व्हाइट के प्लेस पर भाई। एक अपनी डाई है व्हाइट कलर की हो गई, ठीक है जी। और तीसरी डाई किसकी कह रहा है? ब्लू कलर की। ये हमारी जो तीसरी वाली डाई है, ये हमारी ब्लू कलर की हो गई भाई, तीसरी डाई ब्लू कलर की हो गई। क्लियर हो गया भैया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आर प्लेस्ड इन अ बैग, इस वाले बैग में रख दी तीनों डाई। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रेंडम एंड रोल्ड इट्स कलर एंड द नंबर ऑफ ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। वेरी सिंपल, जब आपने रेड वाली डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, क्या क्या आ सकते हैं? वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो यानी आर के साथ सारे, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स,
ऐसे ही किसके साथ, व्हाइट के साथ, व्हाइट को आप W शो करा दो भाई, व्हाइट के लिए आप क्या लिख देंगे साहब W, रेड के लिए R लिख दो और ब्लू के लिए B लिख दो, B फॉर बल्लू, B फॉर ब्लू, है जी। तो W1, W2, W3, W4, W5, W6, ऐसे ही B1, B2, B3, B4, B5, B6, हो गए कि ना हो गए, क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट तो नहीं। चलिए साहब सारे आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो साहब, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ टू फैमिली विद टू चिल्ड्रन, दो एक फैमिली में दो बच्चे हैं तो उनका रिकॉर्ड किया जा रहा है साहब। अब दो बच्चों में दोनों या तो बॉय हो सकते हैं बी वन बी टू, या मान लो कि साहब पहला वाला बच्चा बॉय हो सकता है और दूसरा वाला गर्ल हो सकता है, या पहली वाली गर्ल हो सकती है दूसरा वाला बॉय हो सकता है, या दोनों ही गर्ल हो सकती हैं जी वन और जी टू। ये इसके हमारे पहले वाले के सैंपल स्पेस बन गए साहब, ये इसके अपने सैंपल स्पेस बन गए पहले वाले के। यही तो कह रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है जी। What is the sample is if we are interested in the number of girls in the family, तो क्या sample space हो सकती है साहब, अगर हम केवल interested उसमें हो तो या तो दोनों girl हो सकती है या एक girl हो सकती है या कोई भी girl नहीं है, ये हमारे sample space क्या क्या होगी, तो ये आ जाएंगे साहब। समझ में आ गया भैया कि या तो हमारी दोनों ही girl हो सकती है या एक girl या फिर कोई भी girl ना हो। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स वन रेड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, एक बॉक्स में एक रेड और तीन व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है जी। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, किसके साथ बिना रिप्लेसमेंट के, ये ध्यान रख लीजिएगा भाई, बिना रिप्लेसमेंट के। समझ लीजिएगा, ये मेरे पास में बैग है भैया, इसमें एक रेड बॉल है R1 और तीन व्हाइट बॉल है W1, W2, W3, तीन व्हाइट है, दो बॉल सेलेक्ट करनी है बिना किसी रिप्लेसमेंट के। तो मान लीजिए साहब मेरी पहली वाली बॉल R1 आ गई, पहली वाली बॉल R1 आ गई, तो अब मुझे इसमें तो रखनी नहीं है, अब दूसरी बॉल खींचनी है, तो दूसरी वन W1 भी हो सकती है R1 के साथ, R1 के साथ W2 भी हो सकती है, R1 के साथ W2 भी हो सकती है, R1 के साथ W3 भी हो सकती है, W3 भी हो सकती है। अब मान लीजिए साहब पहली बॉल मेरी W1 आ गई, तो दूसरी वाली बॉल R1 भी हो सकती है, W2 के साथ दूसरी बॉल, W1 के साथ में दूसरी बॉल W2 भी हो सकती है, W1 के साथ में दूसरी बॉल, W1 के साथ में दूसरी वाली बॉल W3 भी हो सकती है। ऐसे ही मान लो कि साहब पहली बार की बॉल के ड्रॉ में W2 आ गया, तो W1, R1 और W3, ऐसे करके हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे जी, 12 बन जाएंगे, क्योंकि फोर बॉल है, तो पहली बार में तो अपने पास चार कंडीशन हो गई, अब रिप्लेसमेंट तो करना नहीं है, जो पहली बार आ जाएगी तो दूसरी बार में कितनी आएंगी, थ्री आएंगी, तो चार थी 12 आपके पास टोटल आउटकम्स इसके बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड ऑक्यूर्स। देखिए साहब एक कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो कंडीशन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब वो कह रहा है कि यदि हेड आया तो फिर कॉइन को फिर दोबारा उछाल दिया, कॉइन को फिर दोबारा उछाल दिया, तो दोबारा उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसकी स्टोरी यहां खत्म होगी। अब वो कह रहा है इफ अ टेल ऑक्यूर्स, यदि टेल आया तो फिर डाई को रोल किया जाएगा,
और जब डाई को रोल किया जाएगा तो फिर क्या क्या आ सकता है साहब? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो अब आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए? देखो जी, एच 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 के इस वाले एच के साथ तो ये दोनों आ जाएंगे क्रम से, एच 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 टी, ये तो हेड आने के साथ में हो गया। अब जब टी आया है तो टी के साथ में टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स कर लेंगे भाई। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। एक लॉट में से 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव फॉर डी एंड नॉन डिफेक्टिव फॉर एन। डिफेक्टिव बल्ब के लिए डी और नॉन डिफेक्टिव के लिए एन। तो राइट द सैंपल स्पेस। अब 3 बल्ब है आपके पास, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं किसी लॉट में से। अब कंडीशन क्या है कि साहब तीनों या तो डिफेक्टिव हो सकते हैं। जो कॉइन को 3 टाइम टॉस वाली कंडीशन थी ना, वो वाला आ जाएगा भाई। या तो तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, या पहले 2 डिफेक्टिव तीसरा नॉन डिफेक्टिव। पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, फिर तीसरा डिफेक्टिव, या पहला डिफेक्टिव और लास्ट के दोनों नॉन डिफेक्टिव। अब इसी का वही उल्टा कर दीजिए सब कंडीशन, कि हो सकता है पहले तीनों नॉन डिफेक्टिव आ जाए, पहले 2 नॉन, फिर डी, फिर एन डी एन और फिर एन डी डी। ठीक है साहब, चलिए कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं वीडियो को बाद में रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं तो, नहीं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को बाद में रिवाइंड करके सारे क्वेश्चंस को ये करना है भैया नोटबुक में। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया सैंपल स्पेस तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत आसान हो गई, और जिन्होंने इस सैंपल स्पेस को हल्के में ले लिया वो मान लेना प्रोबेबिलिटी में अटकेंगे, हमेशा अटकेंगे, हमेशा अटकेंगे, हमेशा अटकेंगे, पछताएंगे, सर पकड़ के धुन करके रोएंगे अपने को बाद में। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड अ डाई इज थ्रोन। कॉइन को टॉस कर दिया, ये मेरे पास कॉइन है, टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है साहब? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो हेड या टेल। अब वो क्या कह रहा है, इफ द आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, अगर हेड है तो हेड के साथ में कौन थ्रो कर दिया है साहब? डाई, और डाई को थ्रो करने पर क्या क्या आता है साहब? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक आएगा। इफ द डाई शोज अप इवन नंबर, अब यदि डाई पे इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर वाले कौन कौन है? 2, 4 और 6 ये है। फिर वो क्या कह रहा है साहब? अब जब डाई पे इवन आ गया तब फिर वो क्या कहना चाह रहा है, सुन लो इसकी बात को भी, अ डाई इज थ्रोन अगेन, फिर एक डाई अगेन थ्रो कर दी। तो अब यहां से फिर डाई को थ्रो कर दिया, इवन आने पर हेड आया तो डाई थ्रो की, और डाई थ्रो करने पर ये आ गए। अब इनमें भी अगर इवन वाला आ रहा है तो फिर डाई को थ्रो कर दिया, अब डाई को थ्रो करने पर फिर वही आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यदि 4 आएगा तब भी फिर यही आएंगे, क्योंकि फिर दोबारा फिर डाई को थ्रो करना है 4 आने पर भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके समझो भाई इसको। अगर मान लो कि यहां से तो बात अब यहां तक आ गई ना, अब 6 आ गया तब भी डाई को थ्रो करेगा, तब फिर क्या क्या आ सकता है ऐसा? 1, 2, 3 ऐसे करके आप ये चार्ट बना लो भाई, यानी डायग्राम बना लो 5, 6। अब आपसे आउटकम पूछ रहा है तो आउटकम, चलिए साहब H21, H22, H23, H24, H25, H26 ऐसे ही फिर यहां से साहब H41, H42, H43, H44, H45, H46 ऐसे ही फिर यहां आ जाओ साहब H61, H62, H63, H64, H65, H66 ऐसे करके ही आगे
बढ़ जाएंगे, ठीक है जी, ये हमारे सारे आउटकम्स बन जाएंगे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर 1, 2, 3, 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 slips, 4 slip पे 1 लिख दिया, एक पे 2 लिख दिया, एक पे 3 लिख दिया और चौथी स्लिप पे 4 लिख दिया। ये 4 slip पर अलग अलग ये नंबर लिख दिए साहब, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, द स्लिप आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड, एक बॉक्स में ये रख दी और इनको क्या कर दिया, ऐसा मिक्स कर दिया। अ पर्सन ड्रॉज 2 slips, अब पर्सन ने 2 slips को खींचा उसमें से, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद दूसरी, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द, अब मान लीजिए साहब पहले वन आ गया तो वन के बाद दूसरी वाली में कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, पहले पे वन आया तो दूसरे पर 3 भी आ सकता है क्योंकि वो तो रिप्लेस करनी नहीं है, पहले पे वन आया तो दूसरे पर 4 भी आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ बना लो साहब, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 12, क्योंकि पहली बार में आपके पास ऑप्शन 4 और दूसरी बार में रह जाएंगे 3, क्योंकि जो पहले ले लिया वो तो फिर दोबारा में रिपीट करना ही नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ाई था, ठीक है जी। तो 4 * 3 = 12 हो गए, टोटल कितने हो गए साहब, 4 * 3 = 12 हो गए, ओके। तो ऐसे करके 12 बन जाएंगे भाई, पहली बार में 2, फिर दूसरी बार में 1 आए, दूसरी बार में 2 आए, दूसरी बार में 3, ठीक है जी, 2 तो आएगा नहीं, 3 और 4। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि पहले एक डाई को रोल किया गया है, अब डाई को रोल करने पर क्या क्या आ सकता है साहब, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है जी, ये हो गए। अब वो क्या कह रहा है, यदि इवन आया तो फिर एक कॉइन को टॉस किया जा सकता है, इवन आया तो। अब इवन आने पर कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या बनेगा जी, या तो हेड या टेल, 4 आने पर भी कॉइन को टॉस करने की बात कर रहा है वो, तो या तो हेड या टेल, 6 आ गया तब भी कॉइन को टॉस करेगा क्योंकि इवन आना है, हर हालत में उसे कॉइन टॉस करना है, तो या तो हेड या टेल, ये हो गया। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड देन वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर ऑड आता है तो फिर कॉइन को कितने बार टॉस कर रहा है वो, 2 बार, कितने बार, 2 बार, और जब कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो हमारे आउटकम्स कितने बनते हैं साहब, 4 बनते हैं, या तो दोनों बार हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा या टेल टेल आएगा, यही तो सिचुएशन है था। तो बन के साथ कौन कौन हो गए, बन एच एच, बन एच टी, बन टी एच, बन टी टी, वही सेम 3 के साथ और वही सेम 5 के साथ, लेकिन 2 के साथ क्या बनेगा साहब, 2H 2T, 4H 4T, 6H 6T, ये हमारे टोटल सिंपल स्पेस हो गए, क्लियर हो गया। आप जब ऐसा चित्र बना लेंगे तो चित्र के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी आसानी रहेगी। अब इससे आगे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, इनमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 वाले को मैं आपको एक बार बता देता हूं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, पहली बार बन आ गया, दूसरी बार में भी बन आया, मान लो कि भाई हमने पहली बार डाई को थ्रो किया, इसको ऐसे समझो, एक डाई थ्रो किया और पहली बार में ही 6 आ गया, एक तो ये आउटकम हो गया। अब दूसरी बार में हमने डाई को थ्रो किया, भाई मान लो पहली बार में बन आ गया, दूसरी बार में 6 आ गया, पहली बार में बन आया,
दूसरी बार में वन आया, लेकिन तीसरी बार में सिक्स आ गया। पहली बार में वन आया, दूसरी बार में टू आया, लेकिन फिर तीसरी बार में सिक्स आ गया, एंड डॉट 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 ऐसे करके चल जाएगा। ऐसे ही फिर पहली बार में वन आया, दूसरी बार में टू, फिर सिक्स वन, ये तो हो जाएंगे। फिर टू के साथ ले लो भैया, टू सिक्स, टू वन सिक्स, टू टू सिक्स, टू थ्री सिक्स। फिर थ्री के साथ ले लो साथ, थ्री सिक्स, थ्री वन सिक्स, थ्री टू सिक्स, थ्री थ्री सिक्स, ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे करके हमारे टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, इस प्रकार का ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, सभी भैयाओं का।